हाँ जी दोस्तों, अज सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह अपने जलंधर दौरे के दूजे दिन लतीफपुरे पहुंचे, जिथे कि कई सालों तो वस रहे लोगों के घर उजाड़ दिए गए सन। जदों सिद्धू मूसेवाले के पिता इत्थे पहुंचे तो देखते ही देखते काफ़ी लोगों का वड्डा इकट्ठ हो गया। तो फिर सिद्धू मूसेवाले के पिता ने की कहा, देखो अगे पूरी वीडियो। ज्यादातर लख सवा लख रुपया सही से लग जाए। जो किसी बंदे ने अचानक दुता पेशी घर ढा के सड़क से करता तो किमें उन्होंने हालातों के पिछले निकलूगा, जी गल कोई माड़े मोटा चेत चेते भी नहीं। सो थोड़े दुख को मैं चंगी तरह समझ सकता। तुम देखे होना दास परिवार को संबोधन करता, मैं जो भी कितने पब्लिक को संबोधन हूं मैं अक्सर लतीफपुरे का दर्द बयान करता हूं कि बहुत औखा है। एक हासे पास घर चल के तंबू ला के बैठना औखा है बहुत। मैं महसूस कर सकता थोड़े सिर तो छत गई है, मेरे सिर तो मेरा बुढ़ापे का सहारा गया है, मानसिकता साड़ी दो मर। चलो ठीक है, परमात्मा ने एक रास्ता बंद किया है, उम्मीद करते हैं अरदास करते हैं गुरु के चरणों में शायद कोई रास्ता खुलेगा भी। और जेड़ी गलती असी डेढ़ साल पहला वोटा पा के कर बैठे हैं, पहला गुस्से गुस्से अपने तो इन्हें सदे हुए सी कि असी जवाब पासों कोई फैसला ले बैठे, असी योजे अणजाण बंदियां नूं सत्ता दियां चाबियां सौंप बैठे, जिन्हां नूं कि घर की कबीलदारी नहीं चलाउणी आउंदी, जिन्हां दे अपने बच्चे विदेशों के सैटल है, वह साडे भविष्य के राखे बने। मैं अज पहला प्रोग्राम है मेरा और केजरीवाल साहब और मेरे मानयोग मुख्यमंत्री अज इस शहर के विच ने, मैं उन्होंने बयान पढ़िया जी, असी कातल फड़ लिया। मैं कहना मेरिया दो तीन गलों का जवाब दे दो, जे तुसीं कितें चौंक के बिच पब्लिक के सामने मैनू टाइम दे दो। वैसे मेरे उकांत नहीं है, मैं एक सधारण व्यक्ति हाँ भी थोड़े मुकाबले दो मुख्यमंत्रियों के बराबर करके मैं बयान दे, पर मैं एक पीड़ित परिवार हाँ, मैं एक दुखी होकर थोड़िया सड़कों पर आया। जे तुसीं मेरिया तीन गलों के जवाब दे दो, मैं जनता के सामने माफी मंग के आप जगह दूंगा। झूठ ना बोलो, लोगों ने तुम्हें बहुत वड्डा फतवा दिता है, तुम्हें बहुत एक रॉयल स्टेट की जिम्मेवारी दिखती है, बॉर्डर स्टेट है, साड़िया भूगोलिक समाजिक दिल्ली नालों काफी बखरेम है साड़ी स्टेट का, साड़िया समस्यावां साड़िया अलग ने, असी दिल्ली नाल कंपैरिजन नहीं कर सकते साड़ी स्टेट का, क्योंकि साडा ज्यादातर हिस्सा बॉर्डर के नाल लगता है। असी कुदरती आफतां साड़िया वखरियां ने, साढ़े वाटर लैवल दी समस्या वक्खरी है, साढ़े वातावरण की समस्या तो वक्ख है, तो सानू दिल्ली के नाल कंपैरिजन ना किया जाए। सानू साड़िया सब तो वड्डी जी समस्या असी गैंगस्टरवाद की समस्या के नाल जूझ रहे हैं। साडे लाडले पाले पड़ोसे जो कारोबार चला के बह जाते हैं, जो चार पैसे कट्ठे हो भुलेखा पैंता उन्होंने फरौती आ जाती है, ना देने के उन्होंने गोली मार दी जाती है। चाहे तरन तारण का एक कपड़े का व्यापारी गुरजंट हो, चाहे कि थोड़े इलाके का जिमी चावला फगवाड़े बोलता हो, गलतियां सी ना बच्चों गुरजंट ने 20 साल ढाबा चलाया, बेचारे ने चार पैसे कट्ठे किए, कपड़े दुकान पाई उन्होंने मार दिता। जिमी चावले ने चार पैसे कमाए, कोई बी आई पी नंबर लिया, बच्चे ने आपका शौक पूरा किया, इन्हों पापियों की नजर के आ गया, वो तो फरौती मंगी तो गोली मार दी, ना वह गन मैंने भी मार दिता। मेरे बच्चे ने की गलती की, आज इलाके की शान
संदीप संधु नंगलमिया ओदा बच्चे का की कसूर सी। उन्हें कबड्डी के बीच उस जगह हासिल की, देशों विदेशों के बीच मशहूर होया और कबड्डी में सुधारा के वक्त उन्हें एक अपनी मेजर लीग खड़ी की। जो पता लगे भी इस बंदे ने तो एक अदारे बखरा खड़ा करता उन्होंने गोलियां मार दी। सेम समस्या एक ही है, घर उस भरा का भी उठ गया, घर मेरा भी उठ गया, उन्होंने किसी होर ग्रुप ने मारता, मैं किसी होर ग्रुप ने मारता। समस्या साड़ी एक ही है, मेरे पुत्र ने भी दो चार कल्या के दो कमर के मकान चो उठ के जाके डिग्री की, विदेशों के जाके जगह बनाई, बैंकों तो लिमटा मना बना के 20 लाख रुपया इकट्ठा करके कनेडा भेजा, अपने खिते च महारत हासिल की, आपे लिखता सी आपे गाँवता सी, अपनी कंपनी खड़ी की। जो इंडस्ट्री के लोगों को लग्या कि सिद्धू मूसेवाला का 50% इंडस्ट्री बढ़ी, एक पास ले गया मेरे पुत्र पास। मैं रात संदीप के परिवार की इंटरव्यू जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मैं उतो सुन के मैं पता लग्या गलती जो उन्हें की वही असं की। असं अपने अदारे बड़े कामयाब करते, इस करके विरोधियों को नहीं पता लग्या, जेडे लोग असं वेले करते उन्होंने लोगों ने असं अखा झड़क लग गए। मैं सरकार को पूछना चाहना कि साल बाद दे रहे दुरुस्त आए, वह बच्चे की तो सुन ली, मैं खुशी है इस गल। सेम इरादा मिलता केस मेरा, मेरी भी सुन लो, मैं भी उस तरह ही देव जी गल थोड़े साहब च है। पता सोनू भी पहला से संदीप का कातल कौन है, पर साल फंड से कातो लाता टिकट मारियां हरेक बंदा चला चला दिया, हूँ थोड़ा समझ आ गई। उ गल मैं थोनों कहना, मैं दस देना भगवंत मान साहब भी जे बंदे फंड की गल करते हो वह केवल शूटर ने, उन्होंने सपारी ली है और मेरे पुत्र मारता है, सपारी दिती की नहीं है, मैं वही गल करता। मेरे पुत का कारोबार किनू चुकता से, मैं वही गल करता। उस गलते आ जाओ, जे आए होंगे मैं लौटते, मैं हर टाइम नहीं जा 12 गोलियां खा के चलना, दिन पूरा करना वह सारा दिन। 5 स्टंट साह संघ जी मेरे पे हुए ने, मैं डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया मैं जाके सफर करा, सारा दिन सभावान च बोला और इन्नी गर्मी के अपने आप में नहीं फिर 14 किलो भजन रोज किया मैं 10 महीने। पर मेरी मजबूरी है, मैं घरे बहना, मैं पुत के स्टैचू के अगो की लंघता, मैं लगता मेरा पुत मैं सवाल करता है कि बापू अज की करते हैं, अज किसे अफसर को गया तू, अज किसे मुख्यमंत्री ने भरोसा दिता तेनू, परसों मेरी श्रीमती को बैठे सुपना आ मां मेरे जे फैर भजे सी पेपर चुटन दे अख खुलती है, मां किमें दस सकती है कि पस्तौल तो गोलियां बजे पुत्र जिन्हें इस उम्मीद 28 साल उसका जुड़ा किया हो, मीडिया कीतिया हो, तो लगे थे कर थले टिका ला के घरों बिना किया हो, संस्कार कर लगी ने भी जुड़ा करके प्यार ना सेरे बन के लकड़ा में भी दिता हो, सरकार मैंने भगवंत मान से केजरीवाल इस गल का जवाब दे सकते हैं। साडा शौक नहीं जलंधर दी सड़कां ते आउंदा, असीं उजड़ के आए हैं, मेरी 3 करोड़ की कोट महल नू जिंदा लग्या, मैं तां इत्थे आया, इन्हां दे ढाह ते मेरे बलान करते मैं तां सड़कां ते आया। अखा खोल लो, जे थोड़े कोल कोई जवाब है मेरी गल का जवाब दे दो। थोड़े समय MP दे विच थाने दे उत्ते हमला करता 60 बंदिया ने, 3 बदमाश छड़ा के ले गए, 4 पुलिस वाले जख्मी करके उठे, इन्हें से नहीं लगी और साढ़े जवाक सारे फड़ के डिब्रूगढ़ भेजते कि गल इतने जेड़ ही नहीं यह ग्राह किया मुकदमा चला के इतने अंदर दे दिता। धारा भी ग्रुपां दी फरौतियां मंगदियां, लोगों के पुतों दी जेबां कटदियां ने, यह सारिया साड़ियां जेलां के बैठिया इंटरनेट मुहैया कराई जाना, इन्हों वीडियो बना बना के नैशनल चैनल से पाई जाना, ये किवें ने वो साढ़े भोले भाले जवाक धर्म के नाते हरेक बंदा जज्बाती हो जाता, जिम्मे कोई बंद कह दे मंग मांग तैयार होगा, वो बच्चे ने न्याणे ने बाजेगा बेचारा साधारण व्यक्ति है, जब उन्होंने समझाया जा सकता कोई वही गल, इन्हें से ला के तू साढ़े हो अगड़ा करना, तू दिल्ली आने के पिछे लग के
सानू डरना क्यों है। मेरे पुत ने लाइना लिखिया सी, बड़ा सोच तू बड़ा होवे छोटी नीत वालिया, क्यों पग्गा नाल खिंदा फिरदा है तू टोपी वालिया। ओदियां गल्लां जिहड़ियां मुंह दे चपेड़ा वांगू वहिंदियां सी। असीं बेशक किन्ने कमजोर हो जाइए, किन्ने उजड़ जाइए, लड़ांगे। साडे गुरुआं ने साडे पुरखे ने सानू लड़ना सिखाया है, सानू अरदास करनी सिखाई है, सो असीं करदे रहांगे। तां वीरो थोड़े नाल जिन्नी जोगा थोड़ा दुख मेरे हिरदे च, मैं कई वारी थोड़ी जिहड़ी तकलीफ जी आम स्टेजां दे उत्तों मैं जिक्र करदा हुंदा, मैं भी थोड़े दुख च शरीक हाँ। जिथे मैनू याद करोगे, जिथे मैनू ਫੋਕਾ ਦੇਉਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, बहुत ही हरमन प्यारे शुभदीप सिंह सिद्धू के पिता सरदार बलकौर सिंह जी इतने दुखी लोगों की पुकार सुन ली दुखी आए हैं। हम मैं बेनती करना कि साडे भैन जी चरण कौर जी सिद्धू सिद्धू मूसे वाला के सरपंच भी हैं, तो इन्होंने बेनती है कि दो शब्द मैं भावता के पास की गल जी मैं कहना इस बार भूल ही गया। मैं थोड़ा कहने की भूल हो गई, मैं कल ये बड़ा दवा लाई जाते जी का फलाने को गुटा पाँगा, ये फलाने को गुटा पाँगा जी, मैं कदम विशेष पाठ का नाम थोड़ी अपनी आत्मा की आवाज है। मैं केवल कहना अज के टोपी वाले ने जोड़ा आप गुली डंडा बीज लिया ये साफ करना, बाकी जो तुम चंगा लगा वह पा दो, आप कोई तकलीफ नहीं। ये थोड़े फिर भी कोई उन्होंने भी कोई फिक नहीं आता कदों का है अपने को, पर इन्हों नहीं पानी इन्हों के पांचवें नंबर पर कर दो, इन्हों अक ला दे फिर मंथन कर असी की गलतियां कीतियां पंजाब के लोगों शायद अगले चार साल, क्योंकि अपने झलने चार साल पैणगे जोड़े कर 27 तक तो अपना लहू पीणगे, तो घट्टो घट कोई अकल का काम अगले साल च कर लैन, तो इतों आप साफ कर दिए। वाहू जी का खालसा।